नमस्कार दोस्तों, पकवान गली में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्स हैं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं उनका नाम बता देता हूँ। ये हैं शेफ विकास सेठ। जी हाँ, नमस्कार जी। आपका पकवान गली में स्वागत है। बहुत बहुत आनंद की बात है कि हम आपसे बात कर रहे हैं जी। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप शेफ बने तो आपके लिए खाना बनाने का इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, ये आया कहाँ से? देखो, जन्म पलन जो है वो अमृतसर का है। तो अमृतसर में क्या होता है कि आप अगर अमृतसर में कभी गए हो तो खाना आपको पकड़ लेता है। और मैंने तो 10th तक, मीन्स मेरी स्कूलिंग अमृतसर तक है, तो हमने बचपन में जो खाने खाए हैं ना, वो हमारे दिमाग के पीछे बस चिपके हुए हैं। तो हम कहीं पर भी जाते तो खाना सबसे पहले आता है। तो इसके लिए आई थिंक कहीं ना कहीं वो वे पहले ही बन गया था। और जब बॉम्बे आए तो फिर ये केटरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद तो यू नो पता ही था कि सिर्फ किचन में ही जगह मिलनी है और कहीं मिलनी नहीं है। आपका फेवरेट खाना क्या है? देखो, खाना बड़ा सिंपल है, आई बिलीव इन सिंपल ईटिंग। तो मेरा फेवरेट खाना राजमा चावल है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी बनाती है, मेरी बीवी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो ये दोनों मेरे दिल के बड़े पास में है। तो जब भी मुझे ईजी खाना खाना होता है तो राजमा चावल। तो शायद इसके लिए मैक्सिकन क्यूजीन में मेरा कनेक्शन ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे भी रीफ्राइड बीन्स रहती है, लेकिन वो अलग टाइप की रहती है, लेकिन वो कनेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। तो 10 साल से भी मैक्सिकन फूड के बस अंदर ही जाते जा रहे हैं। खाना आपके लिए क्या है? खाना इज लिविंग फॉर मी, इज एवरीथिंग। पकवान गली में हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि विकास सेठ के पास अगर कोई रेसिपी है झटपट बनने वाली है, बैचलर्स के लिए है, वो क्या होगी? देखो, बड़ी सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा। अगर बिकॉज हमारे पीछे खेरली हीलिंग रेसिपीज़ है, तो एक सीक्रेट बता ही देता हूँ आपको कि आप दिल से कुक करो तो खाना हमेशा अच्छा ही बनेगा। आपके फ्रिज खोलो, फ्रिज के अंदर जो भी वेजिटेबल है उसको आप सॉटे करेंगे, बस एक स्पाइस की ज़रूरत है, सिंपल स्पाइस। आप एक स्पाइस बना के रख लीजिए, उसका मेथड थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग अगर रहेगा, तो एक टाइम आपको बनाना है, बस एक ही टाइम। एक टाइम आपने बना लिया तो उसको आप एक हफ्ते के लिए क्या कहते हैं एज अ स्पाइस बना के रख सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्पाइस है बेसिकली, हम बनाते हैं मैक्सिकन स्टाइल अडोबो विद चिपोटले चिली, लेकिन आप चाहिए तो आप लोकल चिली के साथ बनाइए अलॉन्ग विद टमाटोज एंड लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन अनियन गार्लिक, और उसको कुक कर लीजिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए। फिर ये एक टाइम बेस आपकी बन गई, तो फिर आपने कोई भी वेजिटेबल जो उसको सॉटे करना है, उसके अंदर जो मज़ा आएगा, जो आनंद आएगा, इट्स सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। और उसके लिए आप कोई भी मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेज के साथ। तो कुछ भी एक इंग्रेडिएंट लिया आपको बैचलर्स के लिए, कि जिनके पास टाइम ही नहीं है, तो सिर्फ फ्रिज खोला, मीट है जो वेजिटेबल है और ये सॉस है जिसके अंदर उसको कुक करना है या ग्रिल करना है, एंड इट्स रेडी इन 5 मिनट्स। सेफ विकास कहते हैं कि मुझे मम्मी के हाथ के राजमा चावल बड़े पसंद है, खुश हो जाते हैं। सेफ विकास अपनी पत्नी के लिए क्या बनाकर उन्हें खुश करते हैं? देखो, ऐसा है कि पत्नी के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई डिश बनानी हो तो यूरोपियन खाने में भी मेरी काफ़ी रुचि रही है, तो पास्ता जो है हम घर पे काफ़ी बनाते हैं, एंड शी रियली लव्स दैट। 5 चीज़ें जो सेफ विकास सेठ के किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं। एक्चुअली एक ऑपरेटर्स है, उसको बोलते हैं मोकाहाइटिस, जो मैं ये केरली में भी लेके जाने वाला हूँ, उसमें साल्सास बनाने वाला हूँ। तो एक ऑपरेटर्स है जिस जो मेरे सब जगह रहता है, भाई मैं 2 सिटी में रह रहा हूँ, बैंगलोर में भी हूँ, मुंबई में हूँ, तो दोनों घर में पड़े हुए हैं। तो अगर मुझे कोई सालसा बनाना है तो उसके बगैर बनेगा नहीं वो सालसा। हाँ, उसके अलावा मेरे फ्रिज में हमेशा टमाटर आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि रोस्टेड टमाटो सालसा सबके साथ यूनिवर्सल है, वो भी बनाना बड़ा सिंपल है। एक टाइम आपने वो सीख लिया तो वो एक चटनी का काम करता है कि आप किसी की चीज़ के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी बेसिक क्यूमिन रहेगा, अनियन रहेगा, गार्लिक रहेगा, बस और कुछ चाहिए नहीं। आपने भारत से लेकर विदेशों में सफ़र किया है, भारतीय खाने को वहाँ तक पहुँचाया और वहाँ के खाने को भारत से भी जोड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है और कौन से वो फेवरेट खाना है? देखो, मैक्सिकन खाना मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि 10 साल से अभी मैं कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैं मैक्सिको गया था और एक बहुत ही फेमस मैक्सिकन शेफ़ है, उन्होंने मुझे ओहाका, एक सिटी है जो कि जैसे अमृतसर इंडिया में पॉपुलर है खाने के लिए, वहाँ पे ओहाका है जो कि मैक्सिकन खाने के लिए बहुत पॉपुलर है। उन्होंने मुझे जगह जगह वहाँ पे लाके दिखाया कि कैसे मैक्सिकन खाना बनता है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी। तो जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है मैक्सिकन फूड और इंडियन फूड में भी।
कुकिंग स्टाइल्स भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी एंशियंट चीज़ें हैं जो कि इंडिया में भी होती है और वहाँ पर भी होती है, जैसे ऐश में कुकिंग, यू नो वो सालसा बनाते हैं कहीं, ऐश में टमाटर डाल के, चिलीज डाल के, अनियन डाल के उसको चार करते हैं, कुक करते हैं, और फिर मोका हायते जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्पेशल मोटर एंड पेसल, उसमें उसको पीसते हैं ताकि वो ग्रेनी भी रहे, उसका टेक्सचर भी रहे और फ्लेवर एकदम यूनिक। तो ये सब चीज़ें हम इधर जब लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी बाहर जा रही हैं, यहाँ के फ्लेवर्स जो इंटरनेशनली पॉपुलर हैं, यू नो आप चिकन टिक्का ले लो तो लोगों को अब्रॉड अभी तो नहीं, लेकिन पहले मैं बोलूँ करी वॉज थॉट एज अ यू नो दैट्स अ इंडियन क्यूजीन दैट्स इट, बट अभी उनको समझ आ रही है कि सिर्फ करी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे वे ऑफ कुकिंग है जो कि इंडिया गिव्स टू इंटरनेशनल क्यूजीन एंड इट्स म्यूचुअल, यू नो यहाँ पे भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन। एक आखिरी सवाल है कि इंडियन खाना या विदेशी क्यूजींस? देखो ऐसा है, दिल से हम इंडियन हैं और इंडियन खाना ही रहेगा, लेकिन जब मैं इंडियन खाना बोल रहा हूँ, हम घर पे इंडियन खाते हैं और बाहर विदेशी खाते हैं, तो इसीलिए मैं घर पे इंडियन खाता हूँ और रेस्टोरेंट में विदेशी खाता हूँ। पकवान के लिए यूजर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सेफ विकास सेठ, क्या मैसेज होगा? मैसेज ये रहेगा कि यार खुश रहो, दिल से खाना बनाओ और बाहर ज़रूर खाना खाओ। अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, पकवान गली से बात करने के लिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।